अस्सलाम वालेकुम। न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1/7 एडिशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2C आई वांट टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू साइन मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस। अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। अब क्या है, अगर दो नंबर है हमारे पास लाइक 3 और 4 और दोनों के साथ प्लस साइन है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस प्लस प्लस, 4 3 12। नाउ अगर दो नंबर है उनके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई, माइनस साइन होंगे तो माइनस साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। बिल्कुल इसी तरीके से अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास या सेम बोल लें तो, और तो क्या है, और उनके साथ साइन भी जो है डिफरेंट है तो क्या होगा, और मल्टीप्लाई अगर हो रहे होंगे तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, देन 4 3 12 ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। सो अभी हमने देखा कि अगर दो नंबर के साथ प्लस साइन होंगे तो आंसर प्लस में आएगा, दो नंबर के साथ अगर माइनस साइन होंगे तो आंसर मल्टीप्लिकेशन में प्लस का आएगा, और दो नंबर के साथ अगर डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलते हैं और एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2C इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो पार्ट ए 3 × −9 3 × −9। सो अगर देखा जाए इन दोनों नंबर के साथ जो है डिफरेंट साइन है तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे। ओके, सो प्लस माइनस माइनस, 9 3 = 27। पार्ट बी −8 × 4 माइनस प्लस माइनस, 8 4 = 32। पार्ट सी −7 × −5। सो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस माइनस प्लस, 7 5 = 35। नाउ पार्ट डी बिल्कुल सेम है, −1 × −6। तो दोनों नंबर के साथ जो है अगर देखा जाए सेम साइन है नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस, 6 = 6। पार्ट ई −2 × −7। अगर यहाँ पे देखा जाए, आप लोग ये सोच रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो है मल्टीप्लाई का तो साइन है नहीं, सिर्फ ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट जो है बेसिकली मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो माइनस माइनस प्लस, 7 2 = 14। एफ −6 × 0। व्हेनेवर एनी नंबर विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई बाय 0, सो द आंसर इज 0। एंड 0 के साथ कोई साइन नहीं आता बिकॉज 0 इज न्यूट्रल, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो पार्ट ए −21 / 7। अब मल्टीप्लीकेशन के तो रूल हमें पता है कि साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आते हैं। अब डिवीजन में क्या होता है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, तो अगर न्यूमिरेटर में नेगेटिव साइन और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव में रहेगा। अगर न्यूमिरेटर में पॉजिटिव साइन है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आंसर तब भी नेगेटिव में रहेगा। अगर न्यूमिरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आंसर तब भी पॉजिटिव रहेगा, तब पॉजिटिव रहेगा। अगर न्यूमिरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो माइनस माइनस जो है कैंसिल होके आंसर पॉजिटिव में आएगा। देखिए पॉजिटिव लिखते नहीं है लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आंसर पॉजिटिव में। ओके,
ओके ये थे साइन रूल फॉर डिवीजन पर्पस. नाउ पार्ट ए माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7. सो माइनस 21 डिवाइड बाय 7, 7 वन जो 7, 7 थ्री जो 21. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस था तो माइनस 3. नाउ पार्ट बी 16 डिवाइडेड बाय माइनस 2. सो 16 डिवाइड बाय माइनस 2, 2 वन जो 2, 2 एट जो 16. मैंने यहाँ पे अभी बताया अगर डिनोमिनेटर में भी अगर माइनस साइन हो न्यूमरेटर में ना हो तब भी आंसर माइनस में आता है तो माइनस 8. पार्ट सी माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2. उसको हम कैसे लिखेंगे माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2. माइनस माइनस कैंसिल, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8. So the answer is 4. Part D minus 14 divided by 2. 2 ones are 2, 2 sevens are 14. So the answer is minus 7. Now part E 15 divided by minus 5. यहाँ पे क्या denominator में minus sign है. 5 ones are 5, 5 threes are 15. तो आंसर में माइनस 3 आएगा. एफ माइनस 18 डिवाइड बाय माइनस 3. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 सिक्स जा 18. सो आंसर में जो है प्लस 6 आएगा. सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने. पहली चीज तो ये कि कुछ रफ चीज में बताना चाहते हैं. अगर दो सेम नंबर लाइक 3, 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ साइन प्लस की है. ठीक है, उनके साथ साइन प्लस की है. मैं बिल्कुल सही से लिख देती हूँ. लाइक प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3. तो दो सेम नंबर हैं, दोनों सेम नंबर के साथ प्लस साइन है तो प्लस प्लस प्लस, 3, 3 जा 9. ओके, ये दो नंबर सेम नंबर थे और इनके साथ प्लस साइन था तो आंसर में भी प्लस साइन आया. ओके, और नेक्स्ट दो सेम नंबर यही ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं, बट इनके साथ जो है नेगेटिव साइन अगर करवाएं हम तो आंसर में माइनस माइनस प्लस, 3, 3 जा 9. तो यहाँ से ये ऑब्जर्व किया अगर दो सेम नंबर हैं और प्लस साइन है उनके साथ तो आंसर प्लस में आता है. अगर दो सेम नंबर हैं उनके साथ माइनस साइन है तो आंसर तब भी प्लस में आता है. तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वल टू के बाद वाली इनके ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है हमारे पास वो प्लस या माइनस में आता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट स्क्वायर रूट फाइंड करने के बहुत सारे मैथड हैं. सो हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इन दिस एक्सरसाइज वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. उससे हम एलसीएम के थ्रू जो है हम जो है फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट और जो भी वैल्यूज आती हैं उनका पेयर ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं. अब स्क्वायर रूट जो है वो बेसिकली इस तरीके से होता है. ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिम्बल नहीं यूज़ किया हुआ, इस तरीके से होता है, सिम्बल नहीं यूज़ किया हुआ. हमें बस फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. So, part A is 81 square root of 81. Now, with the help of prime factorization, 9 nines are 81. 9 1 9. So square root of 81 is equal to plus 9 minus 9. 9 आया, हमने पेयर बना लिया, एक 9 ले लिया, उसके साथ प्लस साइन भी लगा दिया और माइनस साइन भी लगा दिया. अगर आप लोगों को चेक करना है मैं चेक करवा देती हूँ. प्लस 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 9 के साथ
प्लस प्लस प्लस, 9 9 81। नाउ अगर मैं माइनस नाइन को मल्टीप्लाई करूंगी माइनस नाइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 81। तो ये जो आंसर आया ये प्लस में ही आया, तो इनके ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रहे स्क्वायर रूट जब भी हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे हो सकता है, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लिया ही ये है कि प्लस नाइन माइनस नाइन। ओके नाउ आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो एलसीएम जैसे हम लेते हैं, एलसीएम ही कहलाया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि जो एलसीएम हम ले रहे हैं वो सेम टेबल से ले रहे हैं। प्राइम नंबर मतलब कि जो वो नंबर जो सपोज अपने ही टेबल में आता हो, तो हम लोग वो नंबर सेलेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 4 4 16, 4 1 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज प्लस 4 माइनस 4। फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव वन ज़ा 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5। पार्ट डी 100, 100, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू प्लस 10 एंड माइनस 10। आई होप सो ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। नाउ पहले तो ये देख लिया जाए इवैल्यूएट का मतलब क्या है। इवैल्यूएट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। तो अंदाज़ा लगाना क्या है कि जो भी आंसर है वो मतलब कि अंदाज़ा ना आपने लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर हो। तो अभी हमने जैसे कि स्क्वायर रूट जो आप फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने एग्जैक्ट आंसर बताया है कि प्लस माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर फाइंड करना है। बट प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस का कोई कंसर्न नहीं है, बस हमने डायरेक्ट नंबर लिखना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज दैट 81। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 81। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल में जो है 81 है। ये सिंबल इज नोन एज, दिस सिंबल इज नोन एज स्क्वायर रूट एंड दिस सिंबल इज नोन एज क्यूब रूट। नाउ 81 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, 81, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। पार्ट बी रूट 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। नाउ इन पार्ट सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो माइनस साइन है स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो पहले स्क्वायर रूट 9 9 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो द आंसर ऑफ माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू माइनस 3. नाउ पार्ट डी इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में चेक किया कि जो है कोई भी दो नंबर हो, सेम नंबर हो, उनको हम प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हों तो जो है आंसर में प्लस ही आता है. जैसे कि प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, 3 जा 9, तो आंसर में प्लस आया. अगर कोई दो नंबर हो और नेगेटिव साइन हो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, 3 जा 9. तो कोई भी नंबर जो है यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आ रहा, तो स्क्वायर रूट जो है अब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे ही अप्लाई किया जा सकता है, नेगेटिव वैल्यू पे अप्लाई नहीं किया जा सकता. सो अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व. सो वी कैन राइट हेयर नॉट पॉसिबल. तो स्क्वायर रूट में कभी भी अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है. इसकी रीज़न मैंने आपको ये बताई कि आंसर हमेशा जो है किसी भी दो सेम नंबर को, सेम साइन वाले नंबर को जो है मल्टीप्लाई करवा के आंसर प्लस में ही आता है, नेगेटिव में नहीं आता. सो दैट इज़ वाई स्क्वायर रूट में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए सो वो नॉट पॉसिबल होता है, बिकॉज हमेशा जो है स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू का फाइंड किया जा सकता है. अगर हाँ स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव साइन है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अब अगर किसी भी चीज़ की पावर 2 हो, मीन्स स्क्वायर हो, इसका मतलब ये है कि पावर अगर स्क्वायर हो इसका मतलब ये है कि वो नंबर दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर किसी चीज़ की पावर 3 मतलब कि क्यूब हो तो वो नंबर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नाउ इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. पार्ट ए माइनस टू क्यूब. माइनस टू क्यूब का मतलब क्या है कि माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू. सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. नाउ पार्ट बी माइनस 5 क्यूब. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा चेक कर लेते हैं भाई हम. 5 5 ज़ा 25. टू कैरी, 5 2 ज़ा 10 11 12 माइनस 125. नाउ पार्ट सी माइनस 10 क्यूब. इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. 10 10 ज़ा 100 110 ज़ा वो भी करके देख लेते हैं. 0 0 ज़ा 0 0 0 0 0 0 1 ज़ा 0. नाउ 1 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1. सो 0 0 0 1. सो माइनस 1000 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट डी इज माइनस 6 क्यूब. माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. 6 6 ज़ा 36 36 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36 3 कैरी 6 3 ज़ा 18 19 20 21 माइनस 216. अब यहाँ से हमने ये चेक किया अगर एक नंबर है उसके ऊपर क्यूब लग रहा है तो वो तीन दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और अगर उन तीनों नंबर के साथ माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर तीनों नंबर के साथ प्लस साइन है तो आंसर प्लस में आएगा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 2C. यहाँ पे क्या करना है? क्यूब रूट
करना है, इवेलुएट अंदाजा, वही यहाँ पे भी प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। वहाँ पे हमने 2-2 का पेयर लिया, यहाँ पे हमने 3-3 का पेयर लेना है। ओके नाउ पार्ट 1, पार्ट ए इज क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Now ये pair हो गया, so cube root of 27 is 3. Part B minus cube root of 64. Minus cube root of 64 is equal to minus 4. Cube root of 8. Two fours are 8. Two twos are 4. Two ones are 2. Okay. Now next cube root of 8 is 2. Part D. Part D में कहते हैं cube root of 216. अब यहाँ पे क्यूब रूट किस पे फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर पे। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, अगर तीन नंबर को हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उन तीनों के साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव में आता है। सो अब इससे हमने ये कंक्लूड किया, अगर आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब क्या है, माइनस 3, जैसे कि माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 9 3 27, सही है। अगर तीन नंबर है उनके साथ प्लस साइन है, प्लस 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 प्लस, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पे माइनस 27 भी है प्लस 27 भी है, इसका मतलब क्यूब रूट जो है वो नेगेटिव नंबर पे भी अप्लाई हो सकता है पॉजिटिव के साथ साथ। सो स्क्वायर रूट एक ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव नंबर पे अप्लाई नहीं हो सकती, उसका मैंने रीज़न बताया था कि आंसर में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं हमेशा। क्यूब रूट ऑफ माइनस 216 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन, वही 216, 6 3s are 18, 21 में से जब 18 गए 3 36 6 6 are 36 6 6 are 36 6 1 6, सो क्यूब रूट ऑफ माइनस 216 इज माइनस 6 आंसर। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली जो है, जितना कुछ हम लोगों ने 2a, 2b एंड 2c में अभी तक किया, स्क्वायरिंग कह लें, क्यूबिंग कह लें, या एडिशन कह लें, मल्टीप्लिकेशन कह लें, डिवीजन कह लें, वो सब अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक साथ करना है हमने। नाउ पार्ट ए इज माइनस 55 प्लस माइनस 10 माइनस 10। एक चीज आप लोगों को शायद पता हो, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ओके नाउ माइनस, मैं इसके लिए अपना मार्कर चेंज कर लेती हूँ पहले, सबसे पहले माइनस 55 प्लस माइनस माइनस 10
माइनस टेन। अब तीन नंबर हैं, तीनों के साथ सेम साइन है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब तीनों नंबर ऐड होंगे, तो 55 प्लस 10 प्लस 10, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। नाउ आंसर जो है 75 आया, और साइन क्या आएगा, सेम ही रहेगा, माइनस 75। पार्ट बी, माइनस 12 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस 2 प्लस 3। नाउ माइनस 12, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ठीक है, माइनस 8 एज इट इज, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। अब क्या है, ये माइनस 8 है, ब्रैकेट में अगर देखें ये प्लस 2 है, माइनस 8 प्लस 2, पहले ये सॉल्व होगा, माइनस 8 प्लस 2 को अगर आप लोग देखें, माइनस 8 प्लस 2 है, तो दो नंबर है, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है, इसका मतलब ये कि सब्ट्रैक्शन होगी, सो 8 माइनस 2 इज 6, और साइन बड़े नंबर की आएगी, एंड द लार्जेस्ट नंबर ओवर हियर इज 8, और उसके साथ माइनस साइन है, सो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 12 माइनस माइनस 6 प्लस 3, बिकॉज माइनस 8 2 डिफरेंट साइन है, तो 8 माइनस 2 इज 6, तो साइन बड़े नंबर की आएगी, बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है, तो माइनस 6। नाउ अगेन माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 6, 6 प्लस 3। ओके, नाउ आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नाउ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखा जाए तीन नंबर है, तीनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है हमने, माइनस 12 प्लस 6, या तो पहले जो है आप लोग कर लें, दो नंबर अगर देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों के साथ सेम साइन है प्लस, तो ऐड कर सकते हैं हम, 6 प्लस 3 इज 9। नाउ अब दो नंबर हैं, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है, इसका मतलब जो है सब्ट्रैक्शन होगी, सो 12 माइनस 9, आप लोगों को पता होगा 12 माइनस 9 इज 3, 3 लिखा, और साइन जो है बड़े नंबर की आती है, जब डिफरेंट साइन होता है, तो बड़े नंबर 12 है और उसके साथ साइन नेगेटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव 3 माइनस 3। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज माइनस 100 प्लस माइनस 45 प्लस माइनस 5 प्लस 20। ओके, नाउ माइनस 100 प्लस माइनस माइनस 45 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 20। अब चार नंबर हैं यहाँ पे, फोर वैल्यूज हैं, तो फोर वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन है, बट अगर गौर से देखा जाए ये तीन वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ सेम साइन है और नेगेटिव है, तो सेम साइन है, तो इसका मतलब एडिशन होगी, तो ऐड कर लेते हैं 100 45 एंड 5 को, 100 45 एंड 5, सो 100 45 एंड 5, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 1, सो आंसर यहाँ पे क्या आया, 150, और तीनों नंबर के साथ जो है नेगेटिव साइन थी, तो नेगेटिव 150 प्लस 20। तो अब दो नंबर हैं, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, सो 150 में से जब 20 माइनस करेंगे 0, एज इट इज 5 माइनस 2 इज 3, 1, सो 130। अब डिफरेंट साइन था, तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होती है, और
लार्जेस्ट नंबर वाली साइन आती है, लार्जेस्ट नंबर इज 150, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो -130। नाउ पार्टी -2 + 3 × 15, ओके। ना अगर देखा जाए ये -2 है, ये +3 × 15, ये 3 × 15 फर्स्ट हो रहा है, सो 15 मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, -2 + 3 × 15। फाइव थ्री ज़ा 15, वन कैरी, 3 × 1 = 3, 4, ओके। सो -2 + 45, दो नंबर हैं, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन है, ओके, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, सो 45 - 2 = 5 - 2 = 3 and 4 as it is, और साइन जो है जब भी डिफरेंट नंबर होता है तो बड़े नंबर की आती है, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 45 और उसके साथ प्लस साइन है, सो +43 इज द करेक्ट आंसर। नाउ पार्ट ई, -5 - 2 divided by -3, okay, now sorry multiply by -3, sorry divide नहीं है, multiply है, अगर divide भी होता कोई मसला नहीं होता, हम तरीका देख लेते एक दफा, तो ऐसा कुछ नहीं। नाउ व्हाट मस्ट ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन। नाउ पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट को आप लोग देखें, उसमें दो नंबर हैं और सेम साइन के साथ है, -5 - 2 दोनों नंबर के साथ सेम साइन है, इट मीन्स दैट दोनों नंबर के साथ सेम साइन है, इट मीन्स दैट के एडिशन होगी, ठीक है, सो -5 - 2 एडिशन होगी, तो 5 + 2 = 7, सो आंसर में जो है साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, ओके, सो 5 + 2 = 7 साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर के साथ माइनस साइन है, मल्टीप्लाई बाय -3। अब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी, -3 = 21 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट एफ, -25 × -4 डिवाइडेड बाय -12 + 32। नाउ जी हाँ, से इसको एस करना पड़ेगा पहले, नाउ दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, सो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, -25 × -4 / -12 + 32, ओके। नाउ पहले न्यूमिरेटर को सॉल्व करेंगे, ये न्यूमिरेटर में जो है मल्टीप्लीकेशन हो रही है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 25 × 4 = 20, 2 × 4 = 8, 9, 10, 100, सो -−+25 × 4 = 100।
प्लस 100 मैं लिख देती हूँ, वैसे लिखते नहीं है मैंने आसानी के लिए लिखा है। नाउ डिनोमिनेटर में देखें माइनस 12 प्लस 32, अब दो नंबर हैं, दोनों नंबर के साथ साइन डिफरेंट है, इट मीन्स दैट एडिशन होगी, सॉरी सब्ट्रैक्शन होगी। सो 32 माइनस 12, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 220। अब दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन थी तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, और सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन बड़े नंबर की आती है, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 32, उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा। सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें प्लस साइन ही आता है, हटा भी देती हूँ कोई मसला नहीं होगा। ओके नाउ 100 डिवाइडेड बाई 20 हो गया ये, 0 से 0 कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, so the answer is 5. Okay, now next. Sorry. Question number 7. Remaining part G, H, I, J. Now, 3 multiplied by minus 3 square minus 7 minus 7 minus 2 whole square. Okay, अब हमें पता है किसी भी चीज की पावर अगर स्क्वायर हो, 2 हो, तो वो क्या होता है, दो दफा मल्टीप्लाई होता है। ओके नाउ पार्ट जी, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 स्क्वायर, ओके नाउ माइनस 7 माइनस 2 स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 स्क्वायर माइनस, अब अगर ये देखें इस ब्रैकेट में आप लोग 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 हो रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है, 7 माइनस 2 इज 5, और साइन बड़े नंबर के आएगी, बड़ा नंबर जो है 7 है उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस 5 स्क्वायर। अब दोनों की स्क्वायरिंग एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी भी और इसकी भी। नाउ माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, और 5 प्लस 5 है, प्लस 5 जो है दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर है क्योंकि प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, 5 5 जा 25। ओके नाउ नेक्स्ट, 3 माइनस 3 स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 9, माइनस 5 स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 25। अब क्या है अगर गौर से देखें, ये 9 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 25 होगा, सो 9 3 ज़ा 27 माइनस 25, अब दो नंबर हैं उनके साथ डिफरेंट साइन है सो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, सो 27 माइनस 25 मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ, 27 माइनस 25, 7 में से जब 5 गए 2, 2 में से 2 गए 0, सो द आंसर इज 2, और साइन बड़े नंबर की आएगी, और बड़ा नंबर यहाँ पे 27 है और उसके साथ प्लस साइन है तो ये आंसर। नाउ पार्ट एच, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस 10। नाउ यहाँ पे अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को समझना है पहले किस तरीके से ब्रैकेट वगैरह ओपन होंगे, क्या होगा पहले, क्या चीज़ होगी। नाउ फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस 10 ब्रैकेट। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें ये माइनस 10 है, ये एक अलहदा है, और सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 सॉल्व करना है, हमें क्या सॉल्व करना है 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो ये 3 के साथ प्लस साइन है और इस 2 के साथ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 2 जा 6 माइनस 10। अब ब्रैकेट में अगर आप लोग देखें तो दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर के साथ सेम साइन है, इट मीन्स दैट के एडिशन होगी, सो 10 प्लस 6 इज 16, और साइन सेम है तो सेम ही आएगी माइनस। नाउ 16 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 1 जा 5, 6 7 8,
और ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 16 है, प्लस माइनस माइनस। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप केयरफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आई माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय, इसको अरेंज करके लिखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। नाउ 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर का मतलब 2 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज 4 प्लस 2, सो माइनस 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इज 6, सॉरी ये माइनस 12 है, माइनस 12 है, सो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, सो द आंसर इज माइनस 2। यहाँ पे ये करेक्शन मैंने कर दी है, ये माइनस 12 है, मैं इसको सही से लिख भी देती हूँ। माइनस 12 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12 माइनस 12, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, सो द आंसर इज माइनस 2। सो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब के 2 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ओके नाउ अब आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुल होके समझना है इस क्वेश्चन को और केयरफुल होके सॉल्व भी करना है। 10 माइनस 10 माइनस और ये 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, इसको इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। ओके नाउ ये 3 के साथ प्लस साइन है और इस 2 के साथ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 टू जा 6 होता है, तो आंसर में ये आएगा। तब इसको कैसे लिखेंगे, 10 माइनस एज इट इज प्लस माइनस माइनस, 3 टू जा 6, इस तरीके से आया 10 माइनस माइनस प्लस 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। अब हम क्या है, अगर आप लोग ये गौर से देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 16 बन गया, ठीक है, इसका मतलब ये कि अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है 16 का, ठीक है, तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन दैट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके सो 16 प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आया होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन सो यू मे कमेंट, एंड इफ यू वांट कि मैं फिर दोबारा किसी भी क्वेश्चन पे फिर से वीडियो बनाऊं, सो जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन। ओके सो थैंक यू, टिल देन अल्लाह हाफिज़।